नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी की 3 बजे की 30 बड़ी खबरों में। इमरान खान का बेतुका बयान, बोले अगर महिलाएं बहुत कम कपड़े पहनेंगी तो पुरुषों पर इसका असर पड़ेगा। यौन हिंसा के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया। सेना वापसी की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है US। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी बोले अफगानिस्तान में स्थितियां बदल रही, तालिबान लगातार हमले और हिंसा को दे रहा अंजाम। भारत सरकार और फाइजर के बीच जवाबदेही वाली शर्त अब तक कागज पर नहीं, टीके के लिए अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाली गुलालई इस्लाम हुई आलोचनाओं का शिकार, पुरस्कार मिलने पर मची खलबली। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किया फाइजर से करार, मिलेंगे 1.25 करोड़ से अधिक खुराक। उत्तर कोरिया ने WHO को बताया अब तक नहीं मिला कोरोना का एक भी केस, विशेषज्ञों को दावे पर हो रहा संदेह। कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद करेगी अमेरिकी योग संस्था, को वेंटिलेटर की करेगी आपूर्ति। इराक में IS के खिलाफ ब्रिटिश सेना के अभियानों में शामिल हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ, रूसी सैनिकों की बढ़ी चिंता। रेलवे की बड़ी उपलब्धि, गुजरात के मुद्रा से राजस्थान के लिए डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ। नारद स्टिंग केस में ममता की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज अनिरुद्ध बोस ने खुद को किया अलग। DCGI का विशेषज्ञ समूह को वैक्सीन के थर्ड फेज ट्रायल के लिए डेटा का करेगा अध्ययन, वैक्सीन की प्रभावी क्षमता का चलेगा पता। कोरोना वैक्सीनेशन में दुनिया भर में अव्वल भारत, एक दिन में दी गई 86.16 लाख से अधिक खुराकें। टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन टॉप पर रहा मध्य प्रदेश, अकेले 16 लाख के करीब दी गई डोज। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने को उत्सुक है EU। अदन की खाड़ी में भारत के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास। इंटरनेट मीडिया संबंधी नए नियमों पर जल्द FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जारी कर सकता है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मंदिरों में सलाहकार समिति का गठन करेगी तमिलनाडु सरकार, नोबेल सम्मानित डुफ्लो भी होंगे शामिल। कोरोना पर राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री का फोकस बंगाल पर था, लोगों की जान PM के आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। झारखंड में अब हारने लगा कोरोना, 50 दिन में 40,000 लोगों ने कोरोना को दी मात। राज्य में अब मात्र 1489 एक्टिव मरीज बचे, वही रिकवरी रेट 98% के पार। झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी आज, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने पर लगेगी मुहर, वही 2 दर्जन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा। जल संसाधन विभाग में हुई प्रोन्नति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगाई रोक, झारखंड में दिसंबर तक पूर्ण टीकाकरण का है लक्ष्य। कोरोना वैक्सीन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, वही उम्र की बंदिश भी हुई खत्म। Amazon और Flipkart को भारत के बाजार से बाहर कर देगी टाटा डिजिटल, फिलहाल लोगों को यही दिख रहा। पटना, गया, जमुई सहित 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बाकी 32 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के हैं आसार, गंगा की रफ्तार थमी। एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी 31 जुलाई तक बंद की गया दिल्ली की फ्लाइट, यात्री दूसरे रूट से करा रहे हैं नई बुकिंग। बिहार में 29 जिलों में कोरोना के नए मामले, गोपालगंज में 15 से 30 पहुंचा आंकड़ा, वहीं संक्रमितों की संख्या में पटना से आगे निकला गोपालगंज। बेगूसराय में करंट लगने से हुई युवक की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही पर भड़के लोग सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। WTC फाइनल का 5वां दिन, आज का दिन तय करेगा टेस्ट की दिशा, न्यूजीलैंड को बढ़त लेने से रोकना टीम इंडिया का है टारगेट। वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट, केशव महाराज ने ली हैट्रिक, 61 साल के बाद साउथ अफ्रीकी क्रिकेट में हुआ ऐसा। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली ट्रांसजेंडर आई लॉरेन हार्वर्ड को न्यूजीलैंड की महिला वेटलिफ्टिंग टीम में शामिल किया गया, 2013 तक पुरुष कैटेगरी में हिस्सा लेते थे। वहीं 26 जून से होगी एशियन रैपिड ऑनलाइन रैपिड शतरंज की प्रतियोगिता की शुरुआत। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए और इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें और स्वदेशवाणी के ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।